हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की 3 किस्तें काफी लंबे समय से लंबित पड़ी है, जिससे पेंशनर और कर्मचारियों में निराशा बढ़ती जा रही है। ये कहना है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हरिचंद गुप्ता का। उन्होंने प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ते की किस्तों को शीघ्र जारी करने का आह्वान किया है। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश 1,70,000 पेंशनरों की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से आज हमने एक प्रेस नोट जारी किया है हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के और उनके मंत्री गणों के नोटिस में लाया है कि हमारा जो है 2016 से बाद के जो 22 तक के रिटायरी है उनको अभी तक वो लाभ नहीं मिला है। इसके साथ डीए की 3 किस्तें ड्यू हो गई है, वो भी सरकार नहीं दे पाई, वित्तीय कठिनाइयों की वजह से नहीं दे पाई। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये समय काफ़ी बीतता जा रहा है तो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, हर कॉर्नर पर महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार सहदेव डीए के किस्तों को समय पर समयबद्ध होकर के रिलीज करती आई है, लेकिन इस बार जो है हमें समझ में नहीं आता कि क्यों ये जो है डीए के किस्तें जो है आज तक रिलीज नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्रीगणों से निवेदन करता हूँ के इस विषय में तुरंत कार्रवाई करें। मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिलों को क्लियर करने के लिए भी मुख्य सचिव जी को और वित्त फाइनेंस को आदेश करें कि ये फंड जो है सारे फील्ड में ऑफिसों में अलॉट करें और इन बिलों का जो है भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करें।